साइकिल ठीक है बता दिया था आपको, कंप्लीट कर दिया था सीफोर्ड साइकिल। कितने टाइप के सेल में ऑपरेट होता है? दो तरीके के सेल में, मेसोफिल सेल और बंडल शीट। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? मेसोफिल सेल, उसके बाद बंडल शीट पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बताएगा। हाँ, इसमें देखिए कितना एटीपी का, कितना एटीपी यूज होता है। एटीपी एनएडीपी एस2 एटीपी और 12 एनएडीपी एस2। जबकि कैल्विन साइकिल में कितना था? 12 एनएडीपी एस2 था, एटीपी 18 था, तो 12 एटीपी बढ़ गया इसमें, 12 एटीपी एक्स्ट्रा हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैंने दो तरीके का सेल बनाया था, एक बार डिवाइड हो जाएगा। ये कौन सा सेल था? बंडल शीट। बट बीजो की बात रहती है, कौन सी सेल? बीजो की, बीजो की, बीजो की। ये क्या थी? बंडल शीट। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आती है, सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? बीजो की सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन कराएगा? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन था इसमें? सीफोर्ड साइकिल में फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। कैल्विन साइकिल में क्या था? आरयूपीपी। समझ में आ रहा है? यहां था पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ये फर्स्ट एक्सेप्टर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है? एंजाइम का नाम क्या लगेगा? कैप्टेस। पीईपी कार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम क्या था? कैप्टेस। पहला सब्सट्रेट, पहला प्रोडक्ट क्या बना था? मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। समझ में आया? इसको बनाने के लिए एक NADPH2 खर्च हो जाता है। बुक में आपके बना होगा, इस तरीके से लिखा होगा, 1NADPH2 यहाँ पर खर्च होगा। क्या बनेगा? NADP+, मतलब बंडल शीट में एक NADPH2 का लॉस होता है, क्योंकि बंडल शीट में लाइट रिएक्शन चलता है ना। ग्रेनम कहाँ बताया था आपको? बंडल शीट में, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा उसमें ग्रेनम नहीं रहेगा। ठीक है, बंडल शीट में जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा उसमें ग्रेनम रहेगा। लाइट रिएक्शन कहाँ? जो लाइट रिएक्शन जब चलेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा ना इसमें, इसी में ऑक्सीजन रिलीज होगा ना। तो NADPH2 कहाँ से आया? ये लाइट रिएक्शन से आया। ये NADPH2 खर्च हो गया, मैलिक एसिड बना था, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ था, मैलिक एसिड इसमें ट्रांसपोर्ट हुआ था। इसके बाद जो मैलिक एसिड यहाँ पहुंचा था तो इससे क्या बना था? पायरूविक एसिड, पायरूविक एसिड बना था। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया था। ठीक, पायरूविक एसिड में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। उसके पहले क्या बनता? देखिए, ऑक्सीजन एसिटिक एसिड। इससे पहले क्या बनेगा? पहले बनता है ऑक्सीजन एसिटिक एसिड, क्या हो गए, वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। ठीक है, उस कन्वर्टर में ये यूज होता है। ये रिएक्शन भी आपकी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए, ये बनेगा और जेलो एसिटिक एसिड, और ये किसमें कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड में। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चलेगा? कैल्विन साइकिल ऑपरेट होगी। समझ में आ रहा है? इससे कैल्विन साइकिल चलेगा। इसमें 4 कार्बन है मैलिक एसिड में, इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन, क्योंकि ये कार्बन यहाँ लॉस हो गया। ये पायरूविक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर, और क्या बनाएगा? फॉस्फेट और पायरूवेट, पीईपी। पहले देखिए, पायरूविक एसिड यहाँ लिखेंगे, पायरूविक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, उससे क्या बनेगा? फॉस्फेट और पायरूवेट वापस बन जाएगा। पहले तो वो ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। पायरूविक एसिड से मैलिक एसिड इसमें नहीं बनेगा, बनेगा इसमें। तो पायरूविक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फेट और पायरूवेट में। इसको बनाने के लिए दो एटीपी का लॉस होता है। एटीपी कितना? एटीपी 2। तो और क्या बनेगा? 2 एटीपी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना एटीपी बनेगा? 2। 2 एटीपी खर्च हो जाता है। यहाँ पर एक NADPH2 खर्च हो रहा था, इसमें लिखा है ऑक्सीजन एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड के बीच में लिखा हुआ रिएक्शन देखिए। एक जो NADPH2 खर्च कर रहे हैं, किसके बीच में यूज करा रहे हैं? 4 कार्बन 4 कार्बन, उसके बीच में होगा। देखिए, मैलिक ऑक्सीजन एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में लिखा गया है क्या? कुछ नहीं। दिखा
कुछ लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, लिखा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें किस में, वैसे इसमें है। यहाँ पर एनएटीएच थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ एक एनएटीएच यूज होता है, ठीक है। मैलिक एसिड से जब पाइलिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक एनएटीपी प्लस से क्या बनेगा, एनएटीएचटू बनेगा। देखिए ओवरऑल कैसे ये लाइन गया, ये कैसे आएगा, यहाँ एक एनएटीएचटू यूज हो रहा है, यहाँ एक एनएटीएचटू बन रहा है, ओवरऑल तो बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना, यहाँ खर्च हो रहा है एनएटीएचटू, यहाँ क्या हो रहा है बन रहा है, तो उसको हम बराबर कर लेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो कैल्विन साइकिल चलेगा, यहाँ पर कैल्विन साइकिल चलती है, तो कैल्विन साइकिल में कितना एनएटीएचटू खर्च होता है बताइए, एनएटीएचटू कितना खर्च होता है कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल चल रही है ना यहाँ पर, तो कैल्विन साइकिल जब वो चलती थी तो कितना एनएटीएचटू खर्च होता था, तो 12 एनएटीएचटू, 6 बार कैल्विन साइकिल चलता था, 6 टाइम्स, एक बार में 2 एनएटीएचटू खर्च होता था, 6 बार कैल्विन साइकिल चलेगा तो 12 एनएटीएचटू यहाँ खर्च हो जाएंगे, यही लिखा है ना, कितना एनएटीएचटू खर्च होगा, हाँ आ रहा है, इसको आप नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ ये यूज हो रहा है, यहाँ बन जा रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ एनएटीएचटू बन रहा है, तो बराबर हो जाएगा ना, ये इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला काउंट किया जाएगा इसमें कितना यूज हो रहा है, बाकी कहीं यूज हो रहा है नहीं, बाकी कहीं बन भी नहीं रहा है, एटीपी को देखिए इसमें कितना एटीपी खर्च होता था कैल्विन साइकिल में, 18 याद नहीं आ रहा, एक बार कैल्विन साइकिल चलता है 3 एटीपी खर्च होते हैं, 6 बार चलेगा 18 एटीपी, समझ आ रहा है, 18 एटीपी इसमें खर्च होगा, ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, ये 6 बार चलेगा पूरा एटीपी, क्योंकि देखिए एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की, जब एक बार सिंगल साइकिल चलती है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल में जब एक ग्लूकोज बनेगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो 6 बार कैल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा ना, 6 बार कैल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा तो 6 CO2 चाहिए, एक बार जब सिंगल साइकिल चलता है तो 1 CO2 रिलीज होता है, 6 बार ये भी चलेगा, कितना बार चलेगा, 6 बार चलेगा, तब क्या करके 6 CO2 यहाँ बनेगा, 6 CO2 बनेगा, तो आप कहेंगे कितना एटीपी यहाँ पर खर्च हुआ, 18, एक बार जब ये सिंगल साइकिल चलती है तो कितना एटीपी खर्च होता है, तो ना तो देख रहे हैं, 6 बार चलेगा तो 12 होगा, 18 यहाँ से 12 ये वाला जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 समझ में आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, टोटल इतना आपको याद रखिए, क्योंकि एक बार में एक ही CO2 फ्री हो रहा है नीचे वाली सेल में, जब एक बार पूरा CO4 साइकिल चल जाता है, एक बार में एक CO2 फ्री कट रहा है, क्योंकि कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, जैसे कैल्विन साइकिल में बताया था 6 बार साइकिल चलेगी तब जाकर के 6 CO2 रिलीज होगा और एक ग्लूकोज बनेगा, 6 कार्बन रिलीज होना चाहिए, 6 कार्बन, अगला टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, देखिए फोटो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब जानते हैं, क्या होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है, मतलब सेल में ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना, इसी को क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन ये दिन में चलेगा, कब, केवल लाइट के लिए इसमें चलेगा, समझ में आ रहा है, तो ये केवल आप बताएंगे सीनरी प्लांट में होता है, ऑनली इन सीनरी प्लांट, पर ये कब लाएगा, C4 प्लांट में नहीं है, इन C4 प्लांट इट एब्सेंट, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसका भी कारण होता है, सीनरी प्लांट में होता है फोटो रेस्पिरेशन, समझ में आया, सी4 में नहीं होता है, अब फोटो
बनता है तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, घटा देता है, मतलब फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है। समझ में आ रहा है? कब होगा ये? पहले डालिए फोटोरेस्पिरेशन कब होगा तो देखिए, आपने आयु नीति के बारे में पढ़ा है ना, आयु नीति क्या है? सॉरी रुबिस्को, रुबिस्को एक एंजाइम है जो कैंसर साइट में यूज होता है, मतलब सीपी प्लांट में ये एक एंजाइम है जो कैल्विन साइकिल को चलाता है। इसकी खासियत क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और सुगर के साथ भी, मतलब ये आयु नीति सुगर जो होती है, आयु नीति सुगर उस पर ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और आयु नीति सुगर के साथ ये CO2 को भी ऐड करा सकता है। समझ आ रहा है? तो जब ये आयु नीति के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ना। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है जो कैल्विन साइकिल में हित होता है। कैल्विन साइकिल में हित होता है कि ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, यहाँ देखेंगे रुबिस्को आयु नीति के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है कैल्विन साइकिल में। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ऑक्सीजन रहती है, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है कम है, ये एंजाइम के इस एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि O2 के साथ भी बाइंड कर सकता है और CO2 के साथ, लेकिन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? CO2 के साथ। याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है? तभी तो ये चीज पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको ज़्यादा है, आदमी जो है क्या होगा, इसको बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ।
ये करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, लाइट बढ़ता है, तो जब रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन तुरंत बाइंड करना चालू कर देगी, फिर से लिखाना हाई एलिटी होती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर दो केस हो गया, या तो CO2 कम हो जाए या O2 बढ़ जाए या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए, सारे केसेस में क्या होगा, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, देखिए किसमें है, नुकसान नुकसान का है ना,
जितनी साइकिल में नुकसान होता सीपोर में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि सीपोर में यह जाए है कि कितना भी कम सीपोर को बजाएगा उस पर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, बाइंड कर देगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पीईटी के साथ जोड़ देगा। समझ में आया? और सीपोर साइड में चला देगा। तो पहला कार्य यह है कि टैक्ट्री संजय होता है बीजेपी सेल में ब्रिज है हाई एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है जो CO2 किसके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू इन कंपेरिजन टू आर यू बी पी के कंपेरिजन है, इसकी एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है बाइंड करने की, तेजी से बाइंड करता है। लगातार लाइट डायरेक्शन में ओटू निकल रही है, रुबिस्को क्या करेगा, जब उसको ओटू मिल रहा तो ओटू के साथ बाइंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ओटू एक ही कंपार्टमेंट में ओटू निकल रही थी, सेम कंपार्टमेंट में एक ही क्लोरोप्लास्ट में सारी रिएक्शन चल रही थी, एक ही तरीके का क्लोरोप्लास्ट था। तो समझ में आ रहा है? तो रुबिस्को के पास में उसको ऑक्सीजन मिल जा रहा था, वहाँ पर यहाँ रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि को हटा दिया यहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया, वही चाहिए रुबिस्को को।
बता दे रहा, कारण बता रहे, पहला कारण ये हुआ, दूसरा यहाँ पे क्या है, एन बंडल सीट अपसेट डाउन ओ2, हाँ, नो रिलीज ऑफ ओ2, तो आपसे पूछता है कोई ओ2 रिलीज नहीं होती, तो क्वार्टर ही नहीं पूछता है, ठीक है, नो ग्रेनम, कोई ग्रेनम नहीं, जवाब समझ जाएंगे, यस सर। और तीसरा है एन बंडल सीट CO2 की कंसेंट्रेशन क्या रहती है, मेंटेन रहती है, लगातार कभी कम नहीं होती है, ऊपर से CO2 बराबर आ रही है, CO2 कंसेंट्रेशन मेंटेन रहती है, मैं लिखी सीट से आती रहती है, बहुत बढ़िया बताया, CO2 ऐसे नहीं आती है, CO2 मैलिक एसिड की फॉर्म में आ रही है, देखिए CO2 के साथ कौन जुड़ा था, BP, क्या बनाया, ऑक्सीजन एसिड का CO2 किसमें कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड आ रहा है, CO2 नहीं आ रहा है, CO2 मैलिक एसिड की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि मैलिक एसिड तो नीचे की सेल में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, बंडल सीट में मैलिक एसिड ही CO2 फ्री करेगा, तो CO2 किस फॉर्म में आ रही है, बंडल सीट में मैलिक एसिड की फॉर्म में लगातार, तो ये सी फोर में क्यों नहीं होता, पूरा का स्पेशल बता दिया, सी थ्री में क्यों होता है, क्योंकि एक एंजाइम बैठा है, कौन सा, जिसको, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो तुरंत थोड़ा सा दो CO2 होगा तुरंत वो अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन आप समझिए होता क्या है कहाँ चल रही है, तीन सेल ऑर्गेनेल हैं, इनके नाम देखिए
ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब समझ गए ना कि फॉस्फोग्लाइकोलेट सबसे पहले कहाँ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये बना कहाँ? ये बना सर, ये देर से कहाँ चले? ये क्लोरोप्लास्ट ना कहाँ चले? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चली। डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में चलती है, तो फोटो रेस्पिरेशन भी स्ट्रोमा में चलेगा। देखिए ये कहाँ हो रहा है? ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रिएक्शन चल रही है। अब यहाँ से ये निकल, ये देखिए तो क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकलेगा और कहाँ जाएगा? और ऑक्सीसोम्स में जाएगा, समझ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा उसके बाद, मतलब ये सेवरल रिएक्शंस के बाद में, कई रिएक्शंस के बाद, और इसमें ये जब रिएक्शन, इससे जो रिएक्शन चलेगा वो तीन सेल ऑर्गेनेल में चलती है। पहले कहाँ चलेगा? क्लोरोप्लास्ट में कुछ हिस्सा चलेगा रिएक्शन का, कुछ ऑक्सीसोम में, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। क्या होगा इंडक्शन में? इंडक्शन में कुछ नहीं होगा, इसमें एटीपी यूज होगा। क्या होगा? एटीपी यूज होगा, ठीक है? और देखिए एटीपी खर्च होगा, अल्टीमेटली बनेगा क्या? फायदा हुआ, बंद हो गया पीजी ना? जी सर, बन गया ना, लेकिन नुकसान हो रहा। देखिए नुकसान क्या है? दो कार्बन है, पीजीए में कितना कार्बन? जीरो। अब बताइए कार्बन कहाँ से आया? इसमें तो जरूरत नहीं है, तीन कार्बन वाला, तो ये कार्बन कहीं से आना चाहिए ना, कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ रही है, कहीं से CO2 जुड़ता भी नहीं है, तो दो कार्बन से तीन कार्बन वाला कंपाउंड बन कैसे गया? इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल होगा, कि कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? दो। अभी तो होगा बैलेंस, इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? दो मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल लेंगे तो टोटल कार्बन कितना हो जाएगा? चार। चार में से तीन ये बना दे रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। अब सही है? यस सर। होती भी है फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। देखिए फोटो रेस्पिरेशन यहीं से स्टार्ट होता है। फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? पीजी से, फॉस्फोग्लाइकोलेट से शुरुआत होती है इसकी, समझ में आ रहा है? यहाँ से शुरुआत हो रही है, तीन सेल ऑर्गन्स में ये फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, एटीपी खर्च होगा इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है? और बनेगा क्या चीज़? लास्ट में ये बनेगा वही पीजी। नुकसान कुछ हुआ? एक कार्बन का नुकसान हुआ। देखिए चार कार्बन यहाँ से चल रहे थे, तीन कार्बन वापस हो गए, क्योंकि ये भी कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, ये भी काम करेगा, कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, ठीक है? तो चार कार्बन आए यहाँ से, तीन कार्बन वापस, एक कार्बन का लॉस हो गया। अब सोचिए चार में से तीन कार्बन यूज हो रहे हैं और एक कार्बन लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है परसेंटेज में? कितना कार्बन का परसेंटेज लॉस हो रहा है? चार में से तीन यूज हो जा रहा है, एक कार्बन लॉस हो रहा है, 20% नुकसान हो रहा है ना। अरे एक कार्बन का 20% जा रहा है लॉस। जी सर, 25% ग्रुप फॉर्मेशन को घटा देता है, कहा था ना कि फोटोसिंथेसिस कितना घटाता है? 25%, वही 25%। बट सर इधर वाला 2PGA बन तो रहा है। कौन सा बन? ये परसेंटेज कौन सा बन? आधा परसेंटेज इसे लेकर नहीं काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल, यहाँ से स्टार्ट मानते हैं, इसको बोलते हैं सी टू साइकिल। क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है सी टू साइकिल। क्यों बोलते हैं सी टू साइकिल? सी थ्री पढ़ा आपने, सी फोर पढ़ा, ये क्या है? सी टू का मतलब पहला, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखिए मतलब इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट से स्टार्टिंग हो रही है ना, दो कार्बन है इसमें ना, इसलिए सी टू साइकिल, दो कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये सी टू साइकिल हो गया, तो ये लिखेंगे वन कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? लॉस होता है CO2 के फॉर्म, ऐसे लिखते हैं। वेस्ट प्रोसेस, ये क्या है? वेस्ट प्रोसेस, इससे नुकसान होता है। नुकसान क्या है? वन CO2 का लॉस हो रहा है, एक नुकसान तो ये हो गया, मतलब 25% फोटोसिंथेसिस
एफिशिएंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। 25% फ्यूल फॉर्मेशन घट जाता है, नुकसान इसका ये हो गया। एक दूसरा इसका लॉस क्या है, एटीपी बनना चाहिए ना, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, इसके उल्टा एटीपी खर्च होता है। इसमें कोई एटीपी बन नहीं रहा है, एटीपी इसमें खर्च हो रहा है, कोई एनएडीपीएच2 नहीं बनेगा, एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो सिलेक्ट करेंगे तो एटीपी फॉर्मेशन एनएडीपीएच2 एंड एटीपी फॉर्मेशन फैक्टर अगर कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से प्रभावित
समझ में आ रहा है। अगर कोई फैक्टर ए से ज़्यादा, अगर कोई प्रोसेस ए से ज़्यादा फैक्टर से प्रभावित हो रहा है तो वो प्रोसेस सब अफेक्टेड होगा। सबसे ज़्यादा किससे अफेक्टेड होगा? वो फैक्टर जो सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन में होगा, सबसे कम मात्रा में होगा, उसी से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो नुकसान होगा। समझ रहे हैं? यस सर। अब कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? वो ब्लैक कार्ड्स में लिखेंगे इंटरनल फैक्टर, और दूसरा कौन सा होता है? एक्सटर्नल। दो तरीके के फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब प्लांट से संबंधित है, पौधे से संबंधित है। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहरी वातावरण वाला है। इंटरनल जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है। इंटरनल का मतलब रिलेटेड टू प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट, ये प्लांट से संबंधित है। और ये किससे है? एनवायरनमेंट। अब प्लांट से संबंधित वाले फैक्टर जानते हैं कौन कौन से हैं, बताइए। कितना क्लोरोप्लास्ट? अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेजोफिल, मेजोफिल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी है? ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कितने हैं? ट्रांसप्रेशन में बताया सारी चीजें, ट्रांसप्रेशन में बताया था ना, वही सब इसमें लिखा जाएगा। अगर स्टोमेटा ज्यादा तो ज्यादा गैस रिएक्शन होगा ना, स्टोमेटा कम है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, स्टोमेटा कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कम आएगी। और एज पर डिपेंड करता है, प्लांट की एज क्या है, यंग एज का प्लांट है कि ओल्ड एज का प्लांट है। अगर ओल्ड एज का प्लांट होगा तो प्लांट में क्या होगा, स्टोमेटा पार्शली खुले रहेंगे, फुल्ली खुले नहीं रहते हैं। अगर प्लांट यंग है तो स्टोमेटा पूरी तरीके से खुला रहेगा। एज पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, एज ऑफ प्लांट, प्लांट की एज क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, लीव का ओरिएंटेशन कैसा, धूप की रहे पत्ती ऐसे लगी है कि ऐसे लगी। अगर लीव वैसे तो लाइट को ज्यादा रिसीव करेगी, ऐसे तो लाइट को रिसीव क्लाउडी वेदर। अगर क्लाउडी
कैडर है और क्या है रेन फॉरेस्ट, वहां छोड़ देते हैं बस। अब लाइट में कई चीजें होती हैं, लाइट में केवल लाइट जो तुम अभी पूछ रहे थे ना कि ये क्या पूछा था लाइट, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा था ना, हाँ तो कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या अंतर है, ऐसे समझ लीजिए लाइट आ रही है ना, क्या लाइट में क्या क्या चीजें, लाइट में तीन दो चीजें होती है, लाइट में लाइट का इंटेंसिटी और लाइट का वेवलेंथ दोनों ही प्रभावित करते हैं, लाइट कितनी तेज आ रही है और लाइट में किस लाइट की वेवलेंथ आ रही है, समझ में आया ज्यादा आ रही है, अगर ब्लू और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ब्लू और रेड में बताया था आपको फोटोसिंथेसिस क्या होती है ज्यादा, लाइट की दो चीजें होती है, एक लाइट का क्या होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं तीव्रता कितनी तेज लाइट है, और दूसरा क्या होता है लाइट वेवलेंथ, लाइट में क्या चीज वेवलेंथ, ठीक है किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, अब इंटेंसिटी में देखिए क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सुबह होती है लाइट धीरे धीरे बढ़ती है तेज होती है और 12 बजे तक मैक्सिम होती है, ठीक, तो अगर लाइट बहुत कम है सूरज निकलने वाला है लाइट बहुत कम है उस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है कम, जैसे जैसे लाइट की तीव्रता बढ़ती जाती है फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता चला जाता है, क्या ऐसे ही बढ़ता रहेगा नहीं, बहुत तेज हो जाएगी प्लांट की पत्तियों को नुकसान हो सकता है, जो क्लोरोफिल है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ब्राइट सनलाइट में, समझ में आ रहा है, तो बहुत हाई लाइट पर ही फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है तो क्यों क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और बहुत लो लाइट पर ही फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि जब लाइट बहुत कम होती है तो पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो एक्साइट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ही, बताया था ना आपको वहां साइक्लिक साइक्लिक लाइट पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन फेंकता है, तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कराएगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बहुत कम लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, बहुत तेज पर भी नहीं होती, दोनों का अलग अलग रीजन है, समझ गया, और बाकी क्या होता है जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लिखा है लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आगे लिखा पॉइंट एट वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी क्या होगा बहुत कम होगा तो रेट फोटोसिंथेसिस कट घट जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा रिड्यूस कट जाएगा, स्टॉप हो सकता है बंद हो सकता है, बहुत ही कम हो गया तो बंद हो जाएगा, मन क्या रहा ऐसा क्यों होता है होता है लेकिन कम होगा इसमें सबसे ज्यादा, अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड का